समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा को रिश्तेदारवादी पार्टी बताया। अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव दिहुली स्थित चौधरी नत्थू सिंह डिग्री कॉलेज में पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव के जन्मदिन के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने परिवार के रिश्तेदार अनुजेश यादव को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा जब हारने लगती है तो नई तिकड़म लगाती है, ऐसी तिकड़म की समाजवादी नेता उसका जवाब ही देते रहे। भाजपा तो परिवारवाद के खिलाफ थी लेकिन ये लोग रिश्तेदारवादी निकले। अखिलेश ने कहा कि करहल की जनता हमेशा समाजवादियों के साथ रही है, इस बार यहाँ ऐतिहासिक परिणाम आएगा। सभी सीटों पर उपचुनाव का परिणाम ऐतिहासिक होगा और इसी तरह 2027 में भी भाजपा को हार मिलेगी। वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूँ, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं, याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी मंत्री अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए, जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी, यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है, वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू, ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है बरनाल। तो बताइए आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की, कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो उनसे उम्मीद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।